हाय गाइस, हम पॉलीमर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे. ओके, ये नेट और गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. ओके, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है. तो वो क्या होता है, देखिए वो होता है एम अपॉन एन. यहाँ पर क्या है, देखिए जो कैपिटल एम है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर, मोलर मास ऑफ पॉलीमर. ओके, और जो स्मॉल एम है यहाँ पे वो है मोलर मास ऑफ मोनोमर, ठीक है. मतलब मोनो पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर देखिए मोनोमर्स की यूनिट से मिलके बना होता है. ओके, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. तो पॉलीमर किस किस टाइप का होता है. ओके, तो पॉलीमर देखिए कौन कौन से टाइप का होता है. एक पॉलीमर है, एक है आइसोटैक्टिक पॉलीमर, आइसोटैक्टिक पॉलीमर, ठीक है. इसमें जो सारे कार्बन होते हैं ना सबका सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है. अगर डी है तो डी है और एल है तो एल है, इसको आइसोटैक्टिक है. आइसो से आपको समझ में आ रहा है सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है. एक दूसरा होता है सिंडियोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर. ओके, इसमें ऑल्टरनेट होता है. एक इसमें से भी सोचिए सब डी है, अगर सारे मोनोमर डी है, इसमें देखिए डी है एल है, डी है एल है, ऐसे, ठीक है. फिर थर्ड होता है एटैक्टिक. एटैक्टिक से ही आपको सुन के पता चल रहा है कि एटैक्टिक मतलब क्या है. इस पर कोई पक्का वो नहीं होता है, मतलब रैंडम होता है, रैंडम कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है. जैसे डी डी एल एल डी एल, इस तरह से. ओके, तो ये दोनों जो होते हैं ना, पहले और दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर, ठीक है. इसको स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर कहते हैं. जैसे सोचिए कि स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर का एग्जाम्पल है जिगलर नाटा कैटलिस्ट. आपने जिगलर नाटा कैटलिस्ट सुना होगा, ये है जिगलर नाटा कैटलिस्ट. ओके ओके, ये थोड़ा सा हो गया. अब देखिए क्वेश्चंस किस चीज़ पे आते हैं. तो ये देखिए ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चंस किस चीज़ पे आते हैं. देखिए क्वेश्चंस आते हैं कहाँ पे. एक है नंबर एवरेज मोलर मास, इसके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. नंबर एवरेज मोलर मास, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है. नंबर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, ओके एम एन. इसको कैसे डिनोट करते हैं पहले आपको देखिए ये भी पता होना चाहिए. इसको डिनोट करते हैं एम एन, ठीक है. इज इक्वल्स टू एन आई एम आई अपॉन समेशन ऑफ एन आई. ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये कितना मोल है सोचिए एन आई, और ये है उसका मोलर मास, और ये टोटल मोल्स का समेशन. इसको किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन भी आपको जानना होगा. मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑस्मोमेट्री होता है, ठीक है. ये हो गया इस तरह से. देखिए नंबर एवरेज मोलर मास हो गया अपना. इसके अलावा देखिए हमारा होता है नंबर ऑफ ऑस्मोमेट्री के बारे में देखिए अभी हम देखेंगे. पहले हम सारा जो मोलर मास है उस तरह का देख लेते हैं. ओके, फिर होता है वेट एवरेज मोलर मास. आप इसको सीरीज वाइज याद रख सकते हैं ना, तो फिर आपको आसानी होगा, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे. फिर है वेट एवरेज मोलर मास, इसको कैसे डिनोट करते हैं. ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहा है कि एम डब्ल्यू से डिनोट करते होंगे. तो ये होता है एम डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आई एम स्क्वायर अपॉन एन आई एम आई, ठीक है. यहाँ पे देखिए एन आई एम आई अपॉन एन आई है, या एन आई एम आई अपॉन स्क्वायर अपॉन एन आई एम आई है. ऊपर वाला इसका, इसका नीचे वाला है, ठीक है. इसका जो न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर है. ओके, इस तरह से बस आपको ना इस पैटर्न से याद करना है. इसे भी कैसे डिटरमाइन करते हैं, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन बाय लाइट स्कैटरिंग मेथड. ठीक है, अब इसके बाद एक और है, ये हो गया वेट एवरेज. ओके, अब है सेट एटॉमिक नंबर एवरेज मोलर मास, ठीक है. इसका फॉर्मूला देखिए एम जेड से डिनोट करते हैं. एन आई एम आई क्यू अपॉन समेशन ऑफ एन आई एम आई स्क्वायर. अब देखिए इसमें भी देखिए इसका जो न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर है. आपको बस ये ध्यान में इस तरह से याद रखना है, ठीक है. फिर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन इसका भी आपको बताना चाहिए. है
सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रिया। ओके, इसके बाद देखिए हम लोग रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन देखेंगे। पहले हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं। देखिए एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, PV इक्वल्स टू एन आर टी। इसको अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी, तो P इज इक्वल्स टू सी आर टी, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो अब देखिए रिड्यूस ऑस्मोसिस प्रेशर, मतलब आप सोचिए कि P इज इक्वल्स टू सी आर टी है ना, तो आप जैसे ऑस्मोसिस के अगर टर्म्स में बात करेंगे तो आप P को पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है, ये ऑस्मोसिस होता है। पर अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का रिड्यूस्ड इक्वेशन होता है, उसे कहते हैं रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पे क्वेश्चन आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है, पाई अपॉन सी होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो देखिए पाई का इक्वेशन क्या होता है, देखिए पाई इज इक्वल्स टू सी वन आर टी, ये आपको याद रखना है, और सी का वैल्यू हम बताएंगे, सी वन आर टी वन प्लस बी सी वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब सी वन देखिए क्या होता है, ठीक है, सी वन इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन, ठीक है। तो सी वन का जो यूनिट होता है ना, इसका यूनिट होता है मोल लीटर माइनस वन, और ये इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल ना, तभी ना ये ग्राम पर लीटर है ग्राम पर मोल है, तो ये इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, और ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो मोल पर लीटर हो जाएगा। तो ये सी वन का यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि आपको रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछ लेते हैं सी एस आई आर नेट और गेट एग्जाम में, ठीक है। अब लेट्स सी, अब देखिए इससे ना ये वाला वैल्यू जो है हम इसमें पुट करके एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसके थ्रू मतलब उसका ग्राफिकल उसका ग्राफ के बारे में पूछता है कि इसका इंटरसेप्ट कितना है, तो ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाला इक्वेशन का पता होना चाहिए, ओके। सो लेट्स सी क्या कैसे करेंगे इसको, इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे बस, पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन एम आर टी वन प्लस बी सी अपॉन एम प्लस डॉट डॉट डॉट, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा। अब ये सी को देखिए, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से मतलब नहीं है ये, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं, पर रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई अपॉन सी, इसको उस टर्म में ले लेंगे, पाई अपॉन सी देखिए क्या होता है, तो इसको पाई अपॉन सी इसको इधर लेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, क्या होगा देखिए, आर टी एम प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये सी हट गया ना, अब मल्टीप्लाई करो बी सी आर टी अपॉन एम स्क्वायर, है कि नहीं, ये अपना रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन है, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन को एक बॉक्स में लिख लेते हैं, ओके। अब देखिए इसका ग्राफ भी हम एक छोटा सा बना के देख लेते हैं कि किस तरह किसके किस वर्सेस किस में ग्राफ होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए एक छोटा सा ग्राफ बना के देखेंगे, ठीक है। ये ग्राफ होता है रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है, सी का ग्राफ, मतलब ये सी का जो ग्राफ है इसके वर्सेस बनेगा, ठीक है। देखिए सी है, देखिए वीडियो में दिखाई दे रहा है, हाँ सी है, ठीक है, ये इसके वर्सेस इन दोनों का ग्राफ बनेगा। तो अगर सोचिए वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करेंगे, अगर ये वाई है तो ये सी होगा प्लस एम एक्स, तो इसका जो स्लोप है ये क्या होगा, बाकी बी आर टी एम स्क्वायर, इसका स्लोप हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इंटरसेप्ट दिया है, ओके, पॉजिटिव स्लोप है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या है, आर टी अपॉन एम, इससे ही पता चल रहा है। स्लोप क्या है, स्लोप अपना है बी आर टी अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने क्या किया ना, इसके थ्रू जैसे क्या होता है ना, ये इक्वेशन को पता होना चाहिए, पूछ देगा जैसे इंटरसेप्ट दिया है तो आपको कुछ पूछ देगा इस इक्वेशन के बारे में, नेट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो वो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ये क्या होता है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ओके, उसके मास पे नहीं डिपेंड करेगा, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ओके। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट